एवरीवन, आप इस वीडियो में डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन के बारे में जानेंगे, राइट? तो डिजिटल सोसाइटी क्या है? डिजिटल सोसाइटी इज अ मॉडर्न सोसाइटी दैट हैज अडॉप्टेड एंड इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। डिजिटल सोसाइटी वो मॉडर्न सोसाइटी है जिसने लाइफ के हर एस्पेक्ट में अडॉप्ट कर लिया है, बसा लिया है, इंटीग्रेट कर लिया है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, राइट? तो आज की सोसाइटी हमारी कौन सी सोसाइटी है? डिजिटल सोसाइटी है। आप जानते हैं कि लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसमें आज हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। आप ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं, आप कोई भी चीज़, कोई भी आप सामान बाय करने जा रहे हैं कहीं पे मॉल में, वहाँ पे भी आप क्या करते हो? डिजिटल पेमेंट करते हो, राइट? आप घर पे बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ओके? दीज टेक्नोलॉजीज इंक्लूड, तो ये टेक्नोलॉजीज क्या इंक्लूड करती है? मोबाइल एंड क्लाउड टेक्नोलॉजीज, इनके अंदर मोबाइल एंड क्लाउड टेक्नोलॉजीज आती हैं, आपका बिग डेटा आता है, इंटरनेट इंक्लूड होता है एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ओके? वो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है जिसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं। जैसे आपका एक एग्जांपल ले लो, आपके पास अलेक्सा है। अलेक्सा क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, राइट? आप उसमें क्या करते हो? कमांड देते हो एंड इट विल वर्क अकॉर्डिंगली, ओके? तो आज की जो सोसाइटी है वो कौन सी सोसाइटी है? डिजिटल सोसाइटी है, बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, वी आर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड बाय यूजिंग द डिजिटल टेक्नोलॉजी, राइट? इन अ डिजिटल सोसाइटी पीपल, ग्रुप, इंस्टीट्यूशंस आर कनेक्टेड थ्रू टेक्नोलॉजी। एक डिजिटल सोसाइटी में लोगों के ग्रुप और जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, राइट, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, स्पेशली द इंटरनेट, राइट? तो ये जो टेक्नोलॉजी सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है, जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है वो क्या है? इंटरनेट है, राइट? इंटरनेट क्या है? एक डिजिटल सोसाइटी क्रिएट करती है, ओके? क्यों? इंटरनेट जितने भी देखो थ्रू आउट द वर्ल्ड वी आर एबल टू कनेक्ट विद एनी पर्सन। हम क्या कर सकते हैं कि वर्ल्ड के अंदर किसी भी पर्सन से बात कर सकते हैं, किसी भी पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो यूएसए में हो, चाहे वो लंदन में हो। किसकी हेल्प से? इंटरनेट की हेल्प से, ओके? डिजिटल टेक्नोलॉजी की हेल्प से, राइट? डिजिटल इनोवेशंस आर रीशेपिंग द सोसाइटी। जो नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, ओके, इन्वेंशंस हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? हमारी सोसाइटी को रीशेप कर रहे हैं, एक नया लुक दे रहे हैं, इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी को चेंज कर रहे हैं, एंड इंडस्ट्रीज एट अ स्केल एंड स्पीड दैट हैज नेवर बीन सीन बिफोर। और इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है? इंडस्ट्रीज का स्केल और स्पीड, मतलब ये सब चेंज हो रहा है, और किस स्पीड पे हो रहा है जो हमने पहले कभी नहीं देखी है, ओके? एनीवन हु यूजेस डिजिटल टेक्नोलॉजी अलोंग विद द इंटरनेट, जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है इंटरनेट के साथ, उसको क्या कहा जाता है? उसे डिजिटल सिटीजन कहा जाता है, या आप उसको नेटिजन कह सकते हैं, ओके? तो आज की लाइफ में तो जितने लोग हैं सब नेटिजन हैं, राइट? क्योंकि सब इंटरनेट यूज करते हैं, सब डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ओके? व्हाइल ऑनलाइन ऑल ऑफ अस नीड टू बी अवेयर ऑफ हाउ टू कंडक्ट आवरसेल्फ्स। अब देखो नेटिजंस क्या है, जो भी पर्सन इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, उनको क्या करना है? उनके लिए एक रिक्वायरमेंट है, ऑल ऑफ अस नीड टू बी अवेयर ऑफ हाउ टू कंडक्ट आवरसेल्फ्स, कि आपको आपको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे कंडक्ट करना है, हाउ बेस्ट टू रिलेट विद अदर्स, आप कैसे दूसरे लोगों से रिलेट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, एंड व्हाट एथिक्स, मॉरल्स एंड वैल्यूज टू मेंटेन, और आपको कौन से मॉरल्स वैल्यूज को मेंटेन करना है जब आप डिजिटली किसी से कनेक्ट हो रहे हैं, ओके? अ रिस्पॉन्सिबल नेटिजन, अब नेटिजन कौन है? वो पर्सन जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है अलोंग विद इंटरनेट, राइट? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? अ रिस्पॉन्सिबल नेटिजन मस्ट अबाइड बाय नेट एटिकेट्स, जो एक रिस्पॉन्सिबल नेटिजन को एक्सेप्ट करने चाहिए, नेट एटिकेट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, कम्युनिकेशन एटिकेट्स को एंड सोशल मीडिया एटिकेट्स को, राइट? एटिकेट्स क्या होते हैं? एटिकेट्स होते हैं हमारे मैनर्स, कैसा हमारा व्यवहार है, ठीक है? तो एक नेटिजन है, अगर वो डिजिटली काम कर रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, तो इसको यूज़ करते टाइम उसको कुछ एटिकेट्स फॉलो करने होते हैं, जैसे नेट एटिकेट्स हो गए, इंटरनेट यूज़ करते वक्त वो कौन से एटिकेट्स को यूज़ करे, ठीक है? कम्युनिकेशन, अगर वो कम्युनिकेट कर रहा है इंटरनेट के थ्रू, तो कम्युनिकेट कैसे करे? सोशल मीडिया एटिकेट्स, अगर वो सोशल मीडिया साइट्स पर है तो उसे कौन से एटिकेट्स को यूज़ करना चाहिए, राइट? फर्स्ट वी हैव नेट एटिकेट्स। नेट एटिकेट्स वो एटिकेट्स हैं, वो मैनर्स हैं जो
जो आपको इंटरनेट यूज करते टाइम फॉलो करने चाहिए. ओके, वी नीड टू एग्जिबिट प्रॉपर मैनर्स एंड एटिकेट्स व्हाइल बीइंग ऑनलाइन. जब आप ऑनलाइन हैं तो आपको प्रॉपर मैनर्स और एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए. वन शुड बी एथिकल, रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पॉन्सिबल व्हाइल सर्फिंग द इंटरनेट. किसी भी पर्सन को एथिकल रहना चाहिए, रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए जब वो इंटरनेट को सर्व कर रहा है. राइट, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास बी एथिकल. ओके, तो बी एथिकल, आप कैसे एथिकल बन सकते हैं? नो कॉपीराइट वायलेशन, आपको कॉपीराइट वायलेशन नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट यूज कॉपीराइटेड मटेरियल, आपको किसी का भी कॉपीराइट मटेरियल डाउनलोड करके यूज नहीं करना है विदाउट द परमिशन ऑफ द क्रिएटर और ऑनर. राइट, जब तक ये परमिशन नहीं है आप किसी का भी कॉपीराइट मटेरियल यूज नहीं कर सकते. अगर आप करते हैं तो वो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट माना जाता है, वो एक क्या होता है, क्राइम होता है. एज एन एथिकल डिजिटल सिटीजन, एक एथिकल डिजिटल सिटीजन के रूप में वी नीड टू बी केयरफुल, आपको ये केयरफुल रहना चाहिए वाइल स्ट्रीमिंग ऑडियो. अगर आप ऑडियो या वीडियो स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, राइट, जैसे क्या होता है, आप मूवीज देखते हो, अगर क्या आप क्या करो, उस मूवीज की क्लिप आप चोरी कर लो या पूरी मूवी चोरी कर लो और उसको क्या करो, आप पायरेटेड फॉर्म में सेल आउट करो, तो वो क्या होगा, वो आप यहाँ पे कॉपीराइट वायलेशन कर रहे हैं, एक तरीके का क्राइम कर रहे हैं. ओके, एंड डाउनलोडिंग इमेजेस एंड फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट, ऐसी इमेजेस एंड फाइल्स अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं जिनके ऊपर कॉपीराइट लगा हुआ है, वो भी क्या है, क्राइम है. तो यहाँ पे आपको एथिकल होने की जरूरत है, कॉपीराइट वायलेशन आप ना करें. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, शेयर द एक्सपर्टीज. जो भी अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो आपको वो इंटरनेट के थ्रू दूसरे लोगों तक पहुंचानी चाहिए. ठीक है, इट इज गुड टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन को नॉलेज को शेयर करना बहुत अच्छा है ऑन द इंटरनेट सो दैट अदर्स कैन एक्सेस इट, जिससे दूसरे लोग भी उसका फायदा उठा सके. राइट, हाउएवर प्रियर टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन वी नीड टू बी श्योर दैट वी हैव सफिशियंट नॉलेज ऑन दैट टॉपिक. लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि आप अगर इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, सफिशिएंट आपको उस नॉलेज होनी चाहिए. मान लो आपको कोई पढ़ाने आ गया, मान लो मैथ्स पढ़ा रहा है कोई और वो गलत फॉर्मूलेस बता रहा है बच्चों को, तो उस केस में क्या है, वो बच्चों का नुकसान हो रहा है ना वहां पर. राइट, तो अगर आपको अच्छे से पढ़ाना आता है तभी आप पढ़ाओ, अगर नहीं आता तो आप ना पढ़ाओ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप अपनी एक्सपर्टीज को शेयर करो ऑनलाइन. राइट, द इंफॉर्मेशन शेयर शुड बी ट्रू एंड अनएम्बिगुअस. जो इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो वो सच्ची होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, मतलब उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए. ऐसा ना हो कि कुछ भी शेयर कर रहे हो जो किसी को समझ ही ना आए. ऑल्सो इन ऑर्डर टू अवॉइड रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन, और ऐसा ना हो कि आप रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करो, वो इन्फॉर्मेशन जो किसी और ने पहले से शेयर कर रखी है आप उसकी कॉपी बना के शेयर करो. वी शुड वेरीफाई डेट द इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल ऑलरेडी ऑन द इंटरनेट, एंड आपको वेरीफाई करने के बाद इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी नहीं है इंटरनेट पर. राइट, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, बी एथिकल. ओके, अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, बी रिस्पेक्टफुल. राइट, आपको दूसरों के प्रति रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए इंटरनेट पर. सबसे इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिस्पेक्ट प्राइवेसी, आप दूसरों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें. एज गुड डिजिटल सिटीजन्स वी हैव द राइट टू प्राइवेसी, जैसे हमको राइट मिला हुआ है प्राइवेसी का एंड द फ्रीडम ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन. आप क्या कर सकते हो, आपको पूरा राइट है अपनी किसी भी, अगर आप मान लो आपने एक बुक लिखी या आपने कोई भी ब्लॉग लिखा तो आप उस पर कॉपीराइट लगा सकते हो, ये आपका है. ओके, ये आपकी प्राइवेसी है, आपको फ्रीडम दी गई है अपनी पर्सनल चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने पर्सनल व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए. एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अदर डिजिटल सिटीजन्स आल्सो हैव द सेम राइट्स एंड फ्रीडम. तो इसी तरीके से दूसरे लोगों को भी, दूसरे नेटिजन्स को भी सेम फ्रीडम दी गई है, सेम राइट टू प्राइवेसी दिया गया है. ऐसा नहीं है कि आप किसी ने कोई अपना व्यू शेयर किया, कोई अपना ओपिनियन शेयर किया तो आप उसको जाके वहां पे थ्रेट मैसेजेस देने लग जाओ या उसके बारे में डेरोगेटरी कमेंट्स करने लग जाओ. तो ये आपको समझना होगा कि जैसे आपके लिए ये राइट्स दिए गए हैं वैसे ही दूसरे नेटिजन्स के लिए भी ये राइट्स दिए गए हैं. ओके, और आप किसी की पर्सनल एरिया में घुस नहीं सकते हैं. जैसे आपका राइट टू प्राइवेसी आपको दिया गया है वैसे ही दूसरों को भी दिया गया है. आप जैसे आप अपने अकाउंट को प्राइवेट बना सकते हो कि जिससे आपके फ्रेंड्स देखे, बाहरी लोग ना देख सके, वैसे ही दूसरे लोग भी इसको प्राइवेट बना सकते हैं. राइट, जैसे आप क्या करते हो, फेसबुक अकाउंट को प्राइवेट कर देते हो, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कर देते हो. तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है राइट टू प्राइवेसी. राइट,
ओके, आप पर्सनल कम्युनिकेशन विद अ डिजिटल सिटीजन में इंक्लूड इमेजेस, डॉक्यूमेंट, फाइल्स एसेट्रा, डेटा प्राइवेट टू बोथ. अब यहाँ पे क्या देखो, हम इंटरनेट पे क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ और लोगों के साथ इमेजेस को शेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को शेयर करते हैं, फाइल्स को शेयर करते हैं. तो लेकिन ये क्या है, ये लोगों के जिनके साथ हम शेयर कर रहे हैं उनके बीच में ही रहने चाहिए. ओके, अगर आप क्या कर रहे हो, आपके फ्रेंड ने आपको पिक्चर कोई शेयर करी और आपने क्या किया, उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उसकी प्राइवेसी को आप भंग कर रहे हो, राइट. क्योंकि उसने तो आपको एज अ फ्रेंड वो पिक्चर शेयर करी, पर आपने क्या किया, उसका ट्रस्ट तोड़ के वो पिक्चर आगे कहीं शेयर कर दी. ओके, तो ये की चीज़ क्या है, गलत है. वी शुड रिस्पेक्ट दिस प्राइवेसी एंड शुड नॉट शेयर दोज इमेजेस. हमें इस प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ओके, और वो इमेजेस, वो डॉक्यूमेंट्स और फाइल किसी और के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए विद एनी अदर डिजिटल सिटीजन विदाउट ईच अदर्स कंसेंट. जब तक कि आपको जिसकी पिक्चर, डॉक्यूमेंट, फाइल्स ओके आप यूज कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, जब तक कि आप उससे उसकी कंसेंट नहीं ले लेते हो, तब तक आपको वो किसी और को शेयर नहीं करनी चाहिए. ओके, आपको दूसरों की प्राइवेसी के प्रति रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए. ओके, सेकंड इसका पॉइंट क्या है, रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी. ओके, आपको दूसरों की डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना चाहिए. ठीक है, हम एक वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ लैंग्वेजेस बोले जाते हैं. ओके, अलग अलग टाइप के लोग हैं, तो वहाँ पे क्या है, एक दूसरे की डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करना चाहिए. ओके, इन अ ग्रुप और पब्लिक फोरम वी शुड रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल इन टर्म्स ऑफ नॉलेज. तो डाइवर्सिटी को आपको रिस्पेक्ट करना है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग नॉलेज होती है, अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, अलग अलग कल्चर होता है और एंड अदर एस्पेक्ट्स. तो बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जिससे क्या है, लोग एक दूसरे से अलग करते हैं, अलग होते हैं. ओके, तो इस डाइवर्सिटी को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए. ऐसे नहीं कि कोई, मान लो आपको ब्राउन कॉम्प्लेक्शन का कोई पर्सन दिखा तो आप उसकी फोटो पे कमेंट कर दो, राइट. ऐसा नहीं करना है. मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया यहाँ पर. आपको हर जो भी डाइवर्सिटी है उसकी रिस्पेक्ट करनी है. ओके, तो देखो अब यहाँ पे हमने कौन सा पॉइंट कवर कर लिया, बी रिस्पेक्टफुल. ओके, ये हमारा सेकेंड पॉइंट कवर हो गया, बी रिस्पेक्टफुल. अब नेट एटिकेट का थर्ड पॉइंट क्या है, बी रिस्पॉन्सिबल. आपको एक रिस्पॉन्सिबल नेटिजन की तरह काम करना है. अवॉइड साइबर बुलिंग, आपको साइबर बुलिंग अवॉइड करनी है, नहीं करनी है. एनी इंसल्टिंग, कोई भी इंसल्टिंग, मतलब आप किसी की इंसल्ट ना करें. डिग्रेडिंग क्या होता है, डिसरिस्पेक्टफुल. ठीक है, कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल. एंड इंटीमिडेटिंग, कोई भी इंटीमिडेटिंग क्या है, धमकी भरा, डराने वाला ऑनलाइन बिहेवियर आपको शो नहीं करना है. लाइक रिपीटेड पोस्टिंग ऑफ र्यूमर, जैसे आपको कोई र्यूमर दिखाई दी, ठीक है, आपने क्या किया, उसको रीपोस्ट कर दिया, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है. गिविंग ट्रेड्स ऑनलाइन, किसी को ऑनलाइन ट्रेड्स नहीं देनी है. आप क्या सोचते हो, मतलब छोटे बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता है, अगर किसी उनकी लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ, तो वो क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रेड्स दे देते हैं. बट इट्स अ साइबर क्राइम. आपके आईपी एड्रेस से आपका पता चल जाएगा कि आपने कहाँ से कौन सा फेक प्रोफाइल बना के ये काम किया है. फिर आप क्या होगा, आपको पनिशमेंट दी जाएगी. ठीक है, तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है. पोस्टिंग द विक्टिम्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मान लो आपका कोई अच्छा फ्रेंड है, राइट, आपका झगड़ा हुआ, आपने क्या किया, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन कर दिया. ओके, उसे पब्लिक कर दिया, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं करनी है. ये भी क्या है, साइबर बुलिंग का पार्ट है. सेक्शुअल हैरेसमेंट और कमेंट्स, आपको ऑनलाइन सेक्शुअल हैरेसमेंट नहीं कर सकते, आप किसी के लिए डेरोगेटरी कमेंट्स नहीं कर सकते. ओके, एम्ड टू पब्लिकली रिडिक्यूल अ विक्टिम इज टर्म्ड एज साइबर बुलिंग. ठीक है, तो ये जो जितने भी यहाँ पे काम है, इनका एम क्या होता है, पब्लिकली रिडिक्यूल करना, विक्टिम का पब्लिकली मजाक उड़ाना. ओके, और ये किसके अंदर आता है, साइबर बुलिंग के अंदर आता है, और ये एज अ साइबर क्राइम कंसिडर होता है. इसके लिए भी लॉज बने हुए हैं. ठीक है, वी नीड टू रियलाइज दैट द बुलिंग ऑनलाइन कैन हैव वेरी सीरियस इम्प्लीकेशंस ऑन द अदर पर्सन. और ये हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर आप ऑनलाइन बुलिंग कर रहे हैं तो जिस पर्सन के साथ आप ये सब कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इसका. ठीक है, ऑल्सो रिमेंबर आर एक्शंस कैन बी ट्रेस्ड बैक यूजिंग आर डिजिटल फुटप्रिंट्स. और आपने डिजिटल फुटप्रिंट पढ़ा है इससे पहले वाली वीडियो में, तो आपने जो भी एक्शंस लिए हैं उनको क्या कर लिया जाएगा, ट्रेस कर लिया जाएगा और आप तक आसानी से पहुँचा जा सकता है.
करता है बाय यूजिंग द डिजिटल फुटप्रिंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डोंट फीड द ट्रोल. आपको ट्रोल को बढ़ावा नहीं देना है. एन इंटरनेट ट्रोल इज अ पर्सन. इंटरनेट ट्रोल एक पर्सन होता है हु डेलिब्रेटली सो डिस्कॉर्ड ऑन द इंटरनेट. जो जान पूछ के इंटरनेट पर डिस्कॉर्ड क्रिएट करता है, झगड़ा विवाद उत्पन्न करता है बाय स्टार्टिंग क्वेरल्स स्टार्ट कर देगा और अपसेटिंग पीपल, लोगों को अपसेट करता है बाय पोस्टिंग इन्फ्लेमेटरी और ऑफ टॉपिक मैसेजेस. भड़काऊ मैसेज को पोस्ट करके, ओके, डेरोगेटरी कमेंट्स को पोस्ट करके इन एन ऑनलाइन कम्युनिटी, किसी भी ऑनलाइन कम्युनिटी में जाके वो कुछ भी उल्टा सीधा बकवास करता है, ओके, जस्ट फॉर अम्यूजमेंट, अपने खुद के मजे के लिए. और लोग क्या करते हैं, उसको फॉलो करने लग जाते हैं और इससे क्या होता है, ट्रोलिंग बढ़ती चली जाती है. तो आपको ऐसा नहीं करना है. सिंस ट्रोल्स थ्राइव ऑन अटेंशन. और ट्रोल्स जो होते हैं उनको क्या, उनका मेन मोटिव क्या होता है, उन्हें अटेंशन चाहिए होती है. द बेस्ट वे टू डिस्करेज ट्रोल्स इज नॉट टू पे एनी अटेंशन टू देयर कमेंट्स. तो यहाँ पे जो ट्रोलिंग कर रहे हैं उनको रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उनकी कमेंट्स पर आप अटेंशन ही ना करें, राइट, उनको कोई रिप्लाई मत दो. ओके, तो यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया. ओके, नेट एटिकेट्स का, बी रिस्पॉन्सिबल. ओके, अवॉइड साइबर बुलिंग, डोंट फीड द ट्रोल. नेक्स्ट वी हैव कम्युनिकेशन एटिकेट्स. जब आप इंटरनेट पे कम्युनिकेट करते हैं तो आपको कौन से एटिकेट्स को फॉलो करना होता है, वो आते हैं आपके कम्युनिकेशन एटिकेट्स के अंदर. ओके, डिजिटल कम्युनिकेशन इंक्लूड, जो डिजिटल कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर क्या क्या आता है, ईमेल, टेक्स्टिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, टॉकिंग ऑन द सेल फोन, ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पोस्टिंग ऑन फोरम्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक्सेट्रा. तो आप इंटरनेट पे बहुत सारे वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ईमेल के थ्रू, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू, इंस्टेंट मैसेजेस के थ्रू, राइट, आप ऑनलाइन कॉल्स करते हैं, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल्स करते हैं, फोरम्स के ऊपर पोस्ट करते हैं, सोशल मीडिया साइट्स पर जाके आप कमेंट करते हैं. तो ये सारा क्या है, आप इस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं. ओके, ऑल दीज आर ग्रेट वे टू कनेक्ट विद द पीपल. ये जो जितने भी तरीके हैं वो एक बहुत अच्छे ग्रेट तरीके हैं लोगों से कनेक्ट करने के लिए. इन ऑर्डर टू एक्सचेंज आइडियाज, इससे आप अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं, नॉलेज को शेयर करते हैं. ओके, गुड कम्युनिकेशन ओवर ईमेल, चैट रूम एंड अदर सच फोरम्स रिक्वायर अ डिजिटल सिटीजन टू अबाइड बाय कम्युनिकेशन एटिकेट्स. अगर आप चाहते हैं कि जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं थ्रू द इंटरनेट, ओके, ओवर द ईमेल्स, चैट रूम, आप चैट रूम्स में जाके जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फोरम्स में आप जाके जो पोस्ट कर रहे हैं, अपने व्यूज वहाँ पे आप पोस्ट कर रहे हैं, तो वो आप एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर आप कम्युनिकेशन एटिकेट्स को फॉलो करते हैं. ओके, तो यहाँ पे देखो कम्युनिकेशन एटिकेट्स के रूल्स बताए गए हैं, बी प्रिसाइज एंड बी polite, right? सो फर्स्ट वी हैव बी प्रिसाइज, राइट, आपको प्रिसाइज रहने की बहुत ज़रूरत है. रिस्पेक्ट टाइम, आपको टाइम की रिस्पेक्ट करनी है. वी शुड नॉट वेस्ट प्रीशियस टाइम इन रिस्पॉन्डिंग टू अननेसेसरी ईमेल्स और कमेंट्स. आप अपना प्रीशियस टाइम अननेसेसरी जो फालतू के ईमेल्स आए हुए हैं, कमेंट्स आए हैं, उनको रिप्लाई करने में वेस्ट ना करें. अनलेस दे हैव सम रेलिवेंस फॉर अस, जब तक कि वो आपसे कुछ रिलेटेड ना हो, ठीक है, अगर आपसे आपके लिए रेलेवेंट ना हो, आपके लिए सही ना हो, तो आप अपना प्रीसेस टाइम ऐसी चीज़ों पे बर्बाद ना करें. ओके, ऑल्सो वी शुड नॉट ऑलवेज एक्सपेक्ट एन इंस्टेंट रिस्पॉन्स एज द रेसिपिएंट मे हैव अदर प्रायोरिटीज. और ऐसा ना करें, जैसे मान लो आपने ऑनलाइन किसी को मैसेज सेंड किया, आपने टेक्स्ट मैसेज दिया और आप चाहते हो कि आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिल जाए. आपको ये समझना चाहिए कि जिसको आप मैसेज दे रहे हैं, जो रेसिपिएंट है, उसकी अदर और दूसरी प्रायोरिटीज भी हो सकती है, वो और किसी चीज़ों में फंसा हो सकता है, वो एट अ टाइम आपको रिप्लाई नहीं कर सकता. तो इस चीज़ का रिस्पेक्ट करें, अपने टाइम का भी रिस्पेक्ट करें और दूसरों के टाइम का भी आप रिस्पेक्ट करें. ओके, नाउ रिस्पेक्ट डेटा लिमिट्स, राइट, तो डेटा लिमिट्स को आपको रिस्पेक्ट करना है. फॉर कंसर्न्स रिलेटेड टू डेटा एंड बैंडविड्थ, वेरी लार्ज अटैचमेंट्स में भी अवॉइडेड. अगर आपको क्या करना है, जैसे आप डेटा सेंड कर रहे हो, तो बहुत बड़ी बड़ी अटैचमेंट्स को आप सेंड ना करें. यहाँ पे आपको डेटा और बैंडविड्थ का ख्याल रखना है. बैंडविड्थ क्या होता है, एरिया एंड द स्पीड, ओके, विच हेल्प्स यू टू ट्रांसफर द डेटा. ओके, रेदर सेंड कंप्रेस्ड फाइल और लिंक टू द फाइल्स थ्रू क्लाउड शेयर. तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, कंप्रेस्ड फाइल्स को सेंड करना चाहिए, लिंक्स को फाइल, आपको फाइल्स के लिंक शेयर करने चाहिए, और वो शेयर कौन से होने चाहिए, क्लाउड शेयर स्टोरेज, ठीक है, जैसे आपने गूगल ड्राइव को शेयर कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का लिंक शेयर कर दिया, याहू ड्रॉप बॉक्स का शेयर कर दिया. तो ये क्या होता है, दूसरों के लिए आसान हो जाता है आपका डेटा एक्सेस करने के लिए, जो आपने डेटा सेंड किया है वो ईजिली एक्सेस कर सकते हैं. फाइन,
नेक्स्ट वी हैव बी पोलाइट. ओके, आपको पोलाइट रहने की बहुत जरूरत है जब आप ऑनलाइन कम्युनिकेट करते हैं. वेदर द कम्युनिकेशन इज सिंक्रोनस, अगर आप सिंक्रोनसली कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब आप साइमल्टेनियसली किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं. ओके, हैपनिंग इन द रियल टाइम. रियल टाइम मतलब वो भी आपके साथ उसी टाइम पर कम्युनिकेट कर रहा है, लाइक चैट, ऑडियो, वीडियो कॉल्स, और एसिंक्रोनस, या फिर आप एसिंक्रोनस फॉर्म में कम्युनिकेट कर रहे हैं. जैसे आपने ईमेल भेज दिया, जरूरी नहीं है दूसरा पर्सन इस टाइम ऑनलाइन बैठा हो और वो ईमेल को एक्सेप्ट कर ले. ठीक है, फॉरम पोस्ट आपने कहीं पर पोस्ट कर दिया, किसी भी फॉरम में कहीं पर भी कमेंट कर दिया, वी शुड बी पोलाइट. आप कुछ भी किसी भी तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको पोलाइट रहना है एंड नॉन एग्रेसिव इन आवर कम्युनिकेशन. अपने कम्युनिकेशन में आपको एग्रेसिव नहीं होना है, आपको बहुत ही पोलाइटली कम्युनिकेट करना है. ओके, वी शुड अवॉइड बीइंग अब्यूसिव इवन इफ वी डोंट एग्री विद अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू. अगर मान लो आप किसी डिस्कशन ग्रुप से जुड़े हुए हो और वहां पे लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी का व्यू पसंद नहीं आ रहा है तो आप अब्यूसिव हो जाओ. ठीक है, आपको एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, आपको दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू की भी इज्जत करनी चाहिए. फाइन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बी क्रेडिबल. क्रेडिबल क्या होता है? ट्रस्टवर्दी होना, ऐसा पर्सन बनना जिस पे कोई विश्वास कर सके. ठीक है, वी शुड बी कॉशियस, आपको कॉशियस रहना है, सावधान रहना है व्हाइल मेकिंग अ कमेंट. आप कमेंट करते वक्त रिप्लाइंग और राइटिंग एन ईमेल, अगर आप कोई ईमेल का रिप्लाई कर रहे हैं या कोई ईमेल लिख रहे हैं, और फॉरम पोस्ट, अगर आप किसी फॉरम, फॉरम क्या होता है, आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप वहां पे कोई पोस्ट कर रहे हो, एज सच एट डिसाइड आर क्रेडिबिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. क्योंकि यही काम आपकी क्रेडिबिलिटी को डिसाइड करते हैं, आप ये बताते हैं कि आप कितने ट्रस्टवर्दी पर्सन हैं, आप पे कितना विश्वास किया जा सकता है. ऑन वेरियस डिस्कशन फॉरम्स वी यूजली ट्राई टू गो थ्रू द प्रीवियस कमेंट्स ऑफ द पर्सन. हम क्या करते हैं, आपने कोई भी डिस्कशन ओपन की तो आप जो पहले की डिस्कशन, जो पहले के कमेंट्स होते हैं उनको पढ़ते हो. ठीक है, एंड जज देयर क्रेडिबिलिटी बिफोर रिलाइंग ऑन दैट पर्सन्स कमेंट. आप क्या करने लग जाते हो, कमेंट के बेसिस पर उस पर्सन के बारे में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हो इंस्टेड ऑफ नोइंग अबाउट द पर्सन. तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पर्सन को पहचानना है. राइट, यहाँ पे जो प्रीवियस कमेंट्स हैं उनके ऊपर किसी भी पर्सन को जज नहीं करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट वी हैव सोशल मीडिया एटिकेट्स. आज के टाइम में बच्चों से लेकर बड़ों तक सारे लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपको सोशल मीडिया एटिकेट्स को फॉलो करना चाहिए. ओके, इन द करेंट डिजिटल एरा वी आर फेमिलियर विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल मीडिया. आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जानते हैं. वी मे हैव अकाउंट ऑन फेसबुक, आपका अकाउंट हो सकता है फेसबुक पर, गूगल प्लस पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, कहीं पर भी आपका अकाउंट हो सकता है. राइट, तो आप ये क्या कर, आप ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं. राइट, सोशल मीडिया वेबसाइट्स और एप्लीकेशन. सोशल मीडिया क्या है, वेबसाइट्स है, वो एप्लीकेशंस है डेट इनेबल देयर यूजर्स टू पार्टिसिपेट इन सोशल नेटवर्किंग, जो अपने यूजर्स को सोशल नेटवर्किंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इनेबल करते हैं. राइट, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो क्या कर सके, अपने कंटेंट को शेयर कर सके दूसरों लोगों के साथ. ओके, इन अ कम्युनिटी. फाइन, ओके, इन सोशल मीडिया टू देयर आर सर्टेन एटिकेट्स वी नीड टू फॉलो. आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप हो तो आपको कुछ एटिकेट्स को फॉलो करना होता है. राइट, जैसे आपका हो गया बी सिक्योर, आपको सिक्योर रहना है सोशल मीडिया साइट्स पर. चूज पासवर्ड वाइसली, आपको अपने पासवर्ड बहुत ही वाइसली चूज करने चाहिए. नो हु यू बी फ्रेंड, आप किसको दोस्त बना रहे हैं इसका, उसको आपको देखना चाहिए. बी वेयर ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया साइट्स पे बहुत फेक इन्फॉर्मेशन भी, र्यूमर्स भी ट्रेवल करती है, उनको आप, उनके प्रति आपको सतर्क रहना है. ओके, बी रिलायबल, आपको रिलायबल बनना है. थिंक बिफोर यू अपलोड, आप कोई भी चीज ऐसे ही अपलोड ना करें. राइट, तो अब इसको देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे. सबसे पहले आपके पास बी सिक्योर, चूज पासवर्ड वाइजली. ओके, अगर आप सोशल मीडिया साइट्स पे हैं तो आपको अपने अकाउंट का पासवर्ड बहुत ही वाइजली चूज करना चाहिए. द नेटिजन शुड हैव स्ट्रॉन्ग एंड फ्रिक्वेंटली चेंज्ड पासवर्ड, ऐसा पासवर्ड आप चूज करो जो बहुत ही स्ट्रांग हो और आप उसको फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहो. ठीक है, ओके, नेवर शेयर पर्सनल क्रेडेंशियल्स लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड विद अदर्स. अपने अकाउंट का जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, यूजर नेम, पासवर्ड, किसी और के साथ नहीं करनी चाहिए. राइट, इससे क्या हो सकता है, आपका अकाउंट हैक हो सकता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, जिससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है. ओके, सेकंड क्या है, नो हु यू बी फ्रेंड,
आप किससे दोस्ती कर रहे हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसके लिए बहुत ही सावधान रहना है। सोशल नेटवर्क्स यूजली इंक्रीज कनेक्टिंग विद यूजर्स मेकिंग फ्रेंड्स। तो जो सोशल नेटवर्क होते हैं वो आपको इंक्रीज करते हैं कि आप दोस्त बनाओ लोगों को, अलग अलग कंट्रीज के लोगों को दोस्त बनाओ, राइट। समटाइम्स इवन दोस्त हुम वी डोंट नो, और ऐसे बहुत से लोग जिनको हम नहीं जानते हैं और हैव नॉट मेट, और ऐसे लोग जिनसे हम नहीं मिले हैं उनको दोस्त बनाने के लिए भी ये आपको इंक्रेज करता है। देखा नहीं आपके पास, जैसे आप फेसबुक यूज करते हो तो आपके पास आ जाती है यू कैन बी फ्रेंड विद दीज पीपल, आपके पास एड फ्रेंड के लिए आ जाएगी कि आप इनको फ्रेंड्स बना सकते हो, राइट। हाउ एवर वी नीड टू बी केयरफुल, लेकिन इस चीज में आपको केयरफुल रहना है बाय व्हाइल बी फ्रेंडिंग अननोन पीपल। अगर आप अननोन लोगों को फ्रेंड बना रहे हो तो आपको केयरफुल रहना चाहिए, एज देयर इंटेंशंस पॉसिबली कुड बी मैलिशियस एंड अनसेफ, क्योंकि आप किसी भी इंसान के बारे में नहीं जानते कि वो किस इंटेंशन से आपसे फ्रेंडशिप कर रहा है। उसकी इंटेंशन गलत भी हो सकती है, मैलिशियस हो सकती है, उसकी इंटेंशन अनसेफ हो सकती है। तो किसी को भी सोशल मीडिया साइट पर फ्रेंड बनाने से पहले आप अच्छे से उसको जान लें, तभी फ्रेंड बनाएं, अदरवाइज ना बनाएं, ओके। बीवेयर ऑफ फेक इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज मैसेजेस एंड पोस्ट आर कॉमन इन सोशल नेटवर्क। आपको पता है बहुत फेक न्यूज ट्रेवल करती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। एज अ यूजर वी शुड बी अवेयर ऑफ देम, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। विद एक्सपीरियंस वी शुड बी एबल टू फिगर आउट वेदर अ न्यूज मैसेज और पोस्ट इज जेन्यून और फेक। तो ये आपको अपने एक्सपीरियंस से पता लगाना है कि मैसेज या न्यूज या पोस्ट जेन्यून है या फेक है। ऐसा ना हो कि कोई भी न्यूज या कोई भी आप मैसेज देखे आप उस पर बिलीव कर लें, ऐसा नहीं करना है आपको। दस वी शुड नॉट ब्लाइंडली बिलीव इन एवरीथिंग दैट वी कम अक्रॉस ऑन सच प्लेटफॉर्म। तो आपको ब्लाइंडली किसी भी न्यूज़ पर बिलीव नहीं करना है, राइट। समटाइम्स क्या होता है, र्यूमर्स की वजह से बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, तो आपको इन र्यूमर्स के ऊपर बिलीव नहीं करना है। वी शुड अप्लाई आर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू वैलिडेट सच न्यूज़ मैसेजेस और पोस्ट। आपको अपनी खुद की नॉलेज, अपने खुद के एक्सपीरियंस का यूज़ करना चाहिए उस न्यूज़ को, मैसेज या फिर पोस्ट को वैलिडेट करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए कि वो जेन्यून है या फेक है, ओके। नाउ सेकंड पॉइंट आपका है बी रिलायबल। आपको रिलायबल होना चाहिए, थिंक बिफोर अपलोडिंग। आपको कोई भी चीज अपलोड करने से पहले सोचना चाहिए। वी कैन अपलोड ऑलमोस्ट एनीथिंग ऑन सोशल नेटवर्क। आप सोशल नेटवर्क पे कुछ भी अपलोड कर सकते हो, कोई भी पिक्चर, कोई भी वीडियो। हाउ एवर रिमेंबर डेट वंस अपलोडेड इट इज ऑलवेज देयर इन द रिमोट सर्वर। लेकिन ये ध्यान रखना कि एक बार आपने अगर अपलोड कर दी वो रिमोट सर्वर पे जाके सेव हो गई है। इवन इफ वी डिलीट द फाइल, आपने अपने सिस्टम से डिलीट कर दी लेकिन क्या है उसकी कॉपी पहुंच गई रिमोट सर्वर के पास, सर्वर के पास जा चुकी है उसकी कॉपी, वो हमेशा वहां पे रहेगी। हेंस वी नीड टू बी कॉशियस व्हाइल अपलोडिंग। इसलिए आप अगर कुछ भी अपलोड करें तो आपको बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। और सेंडिंग सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल फाइल्स विच हैव अ बियरिंग ऑन आर प्राइवेसी, राइट। अगर आप क्या करो, ऐसी सेंसिटिव या कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को अपलोड कर रहे हो जिससे आपका प्राइवेसी को प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको बहुत सावधान रहना है कि अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, अपनी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स, अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को आप शेयर ना करें, या कोई भी उल्टी सीधी चीज को आप नहीं शेयर करें, राइट। आपको इंटरनेट पर या सोशल मीडिया साइट पर कम्युनिकेट करते वक्त, उसको यूज करते वक्त रिलायबल रहना है। बहुत ही एक अच्छा नेटिजन की तरह आपको वहां पे अपना बिहेवियर शो करना है, ओके। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।